मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आज बहुत ही चिंता का साथ है ना? जी हाँ, बाहर बोल नहीं सकते हैं। आपके जीवन में ऐसे हृदय में दुख भर गया है, हालातें ठीक नहीं आपके खिलाफ है, अंदरे अंदर आप रो रहे हैं, प्रतिदिन आपका दुख जो है बढ़ते रह रहा, कम होने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए बहुत ही चिंता और आंसू के साथ रहते हैं। आज परमेश्वर आपसे कहता है, भजन संहिता 94 की 19 वचन में प्रभु आपसे कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब ये यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। परमेश्वर की दी हुई शांति से हमारे मन में सुख मिलता है और यीशु मसीह का एक नाम दी गई है, वो तसल्ली देने वाले हैं। जब विधवा आंसू बहा रही थी उस वक्त यीशु ने तू आंसू नहीं बहाना बेटी करके उनको तसल्ली दी है। आप जब आंसू बहाते हैं ना, उस वक्त यीशु भी आपके साथ आंसू बहा के आपको शांति देता है। बाइबल में ऐसे घटनाओं को भी आप देख सकते हैं। यीशु आपका हृदय के दुखों को जानता है, इसलिए आज वो कहता है, मैं तेरे लिए शांति को और सुख को और तसल्ली को देने के लिए चाहता हूँ। मैं भी सेवा करके जब आते हैं, निंदा अपमान दुख को जब सहते हैं, उस वक्त अकेले बैठ के दुख होने के वक्त में प्रभु यीशु ही मुझको तसल्ली दिया। और यीशु कहता है, मैं तेरे लिए दुखों को क्रूस पर सह लिया ना, तू क्यों दुख के साथ रहता है, मैं तेरे जीवन में शांति और तसल्ली को दूंगा करके कहता है। जब दुख में, दर्द में, वेदना में सहते हैं, उसी वक्त भक्त कहता है, परमेश्वर शांति को प्राप्त करेंगे। जब दुख बढ़ती है, परमेश्वर की शांति से हमारा हृदय में सुख मिलता है। यीशु आज आपसे कहता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू आज इतनी चिंता और बोझ के साथ क्यों बैठा है, मैं अपनी ही शांति को तुम्हें देता हूँ। आज हम प्रभु से कहेंगे, ये दुख और दर्द के लिए मैं आपको स्तुति करता हूँ प्रभु, उसके द्वारा तूने हमारी दिल में शांति को, तसल्ली को, संतावना को दिया है प्रभु, इसलिए यीशु के नाम में आमीन आमीन।